स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे को स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा फेयर आपका ये होता है कि जी ऐसे को कहाँ से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ऐसे का टॉपिक समझ में आना चाहिए। आपके पास बेटा मामला होता है कि आपको ना 10 टॉपिक्स आएंगे, ठीक है? आप जो पेपर में बैठोगे तो आपके पास 10 टॉपिक आते होते हैं। उन 10 में से आपको एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा करना है। मेरा मशवरा है और डिफरेंट मेंटोर्स का मशवरा ये होता है कि ऐसे वो किया जाए जिसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है? अब जैसे एक ऐसे आया था, इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल, तो आपको मतलब समझ में आ रहा था, लेकिन अगर लिखा होगा इज वर्ल्ड पीस अ यूटोपियन ड्रीम, इट इज यूटोपिया ना। अब किसी को अगर यूटोपिया का नहीं पता, या अगर कोई ओबेसिटी पे ऐसे आता और आपको ओबेसिटी का मतलब नहीं पता, तो मत करना उसको, ठीक है? क्योंकि जब तुम्हें अगर बेटा मतलब नहीं पता होगा किसी चीज का, तुम उसे रॉन्ग कर दोगे और फिर वो सारी मेहनत जाया हो जाती। तो फर्स्ट चीज हम सीखते हैं अपने ऐसे के लेक्चर्स में कि हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट एन ऐसे। हम 10-12 ऐसे लिखेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस के, और फिर देखेंगे कि उसमें बात क्या की गई है। उसके बाद आता है आपके पास मेन आउटलाइन। मेन आउटलाइन आपके पास क्या होती है, जिसमें आप लिखते हो इंट्रो, हिस्ट्री, टाइप्स, काइंड्स, उसके बाद आता है फैक्टर्स प्रूविंग, फिर कॉजेज, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशंस, कॉन्क्लूजन। बस ये जो मोटी मोटे हेडर्स होते हैं आपके, वो मेन आउटलाइन, ये बनाना सीखते हैं। फिर हम सीखेंगे कि जी सब पॉइंट्स कैसे होते हैं ऐसे के अंदर। थीसिस क्या होगा, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को लिखा कैसे जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, और इंट्रो और कंक्लूजन में फर्क क्या है। सेवेंथ में हम सीखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग असल में होती क्या है, एक पैरा बनाया कैसे जाता है, ठीक है? और लास्ट में ट्रांजिशन पैराग्राफ। ट्रांजिशन पैराग्राफ्स क्या होते हैं, जैसे हमने एक जगह लिखा कॉजेस की बात, ठीक है, कॉजेस ऑफ करप्शन की बात कर लेते हैं। अब कॉजेस से मुझे उस पर जाना है रिकमेंडेशंस पे, यानी सोल्यूशंस पे, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली नहीं शुरू करूंगा, मैं कॉजेज और रिकमेंडेशंस के बीच में एक दो लाइनें लिखूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि एज द कॉजेज आर ग्रेव, या एज द कॉजेज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व, बट देयर आर सम रिकमेंडेशंस, इफ दीज आर अप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो वन कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट, या वन कैन रिड्यूस दीज कॉजेस। मतलब क्या है बेटा, कि अगले को बताना कि भाई अब 2 से 3 जुमलों में आपने बताना है कि मैं जो है ना ट्रांजिशन ले रहा हूँ यहाँ से, राइट? तो वो ये भी हो सकता है कि जी हिस्ट्री के बाद जो है वो आप ट्रांजिशन ले लें। आपने 2-3 ट्रांजिशन पैराग्राफ कैसे डालने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ डालने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया बेटा कि ये ऐसे के कॉम्पोनेंट्स आपके। और यही जो 8 चीजें हैं ना, यही आपकी पहले टेस्ट होती है। ठीक है, पहले आप डिकंस्ट्रक्शन करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको समझ में आ गया। मेन आउटलाइन से वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ यार, ये बच्चे ने टॉपिक पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। फिर ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब इसी लेवल में चल रही होती हैं कि वो इसी फ्लो में देखेगा, और उसको हार्डली बेटा कोई 2 से 2.5 मिनट लगेंगे सिर्फ ये डिसाइड करने में कि आपका ऐसे जो है वो पास है या फेल है। एंड सबसे इजी जॉब है ऐसे की चेकिंग करना। वाई? क्योंकि हमें देख के पता चल जाता है बेटा कि ये टॉपिक जो जिस बच्चे ने किया है ना, इसको समझ नहीं आया टॉपिक। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो सोचें आप इस बात को, जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो तो एक्सपीरियंस्ड है, वो सिर्फ देख के एक नज़र में बता देता है कि इस बच्चे को टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया, और वो इस चीज़ को फिर पिनलाइज करता है आपको। मुझे ये बता दें, क्लियर हो गई ये बातें, फिर हम रिसोर्सेस पे आते हैं। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ ले।
चलो आगे चलते हैं। अब देखो कि ऐसे तैयार कैसे होगा। सबसे पहले तो आपके जो 11 सब्जेक्ट्स हैं, आपने वो जो पढ़ा है उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसकी बातें, ठीक है, प्रॉपर जो आर्ग्यूमेंट्स है ना वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरी जो रिकमेंडेशन होती है, और वन ऑफ माय फेवरेट्स तो वो है जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन। बेटा तुम किसी मेंटोर से पढ़ो ना पढ़ो, ये लगवा लो बस, ठीक है। कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आपको मंथली आता है 450 इसके अभी के प्राइस से। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको इंग्लिश मिलती है, कंटेंट मिलता है। अब जहांगीर वर्ल्ड टाइम में रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होता है आपका। फिर इसके अंदर आपके पास इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, मार्क्स पता चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। ये पढ़ो, कोटेशंस पढ़ें और कोटेशंस को लिखने की आदत डालें। कुछ मूवीज भी देखा करें, जो आपका सैटरडे संडे होता है मूवीज से सीखें। स्पेशली यूपीएससी के जो एसेज है ना, वो अवेलेबल होते हैं गूगल पे। गूगल से यूपीएससी के एसेज डाउनलोड करें, उनका राइटिंग स्टाइल देखें, टॉपिक्स देखें। कोई कभी किताब पढ़ ली या किसी ने कुछ बता दिया तो वो थ्योरीज, बुक रेफरेंस वो ऐड करें। और सिर्फ एक किताब खरीदनी है बस। मार्केट में जाएंगे आप, मार्केट में जाके कोई भी ऐसे की ना एक बुक ले लें जिसमें अच्छे ऐसेज लिखे हैं। जेब अगर आपकी इजाजत देती है तो दो ले लें डिफरेंट किताबें, लेकिन एक मस्ट हो आपके पास। जैसे मेरे पास तीन किताबें हैं, तीन के चार किताबें ऐसे की। तो एक जो बुक है ना वो डील कर रही है, जो अरसलान जाहिद की किताब है बेटा, वो सिर्फ करंट अफेयर्स के टॉपिक पे उन्होंने बनाई हुई है, जो कि पहले रेलिवेंट थी, बट मुझे नहीं लगता कि आगे किसी दौर में वो किताब रेलिवेंट है। हाँ, कंक्लूजन मिल जाएंगी उसमें से, लाइंस मिल जाएंगी, कोटेशंस मिल जाएंगी। दूसरी किताब जो मेरे पास है वो JWT की है, और जो तीसरी मेरे पास किताब है वो भी शायद इसी तरह कारवानी है किसी की, लेकिन उसके अंदर ज्यादा लिटरेरी एसेज है ना, 14-15 जो है लिटरेरी एसेज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे ना पढ़ के इनसे आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ, इनका राइटिंग स्टाइल देखता हूँ, सारी चीजें ना। मुरीद हुसैन जासरा की बुक भी अच्छी है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस वही ना, कोई एक किताब ले लें, किसी की भी ले लें। मेरे पास PDF में बहुत सारे लोगों की बुक्स पड़ी हैं। तो इससे क्या होता है, आप अपना रेलिवेंट ऐसे, लेट सपोज कि कल बच्ची का मैसेज आया कि सर डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ना मुझे ऐसे दे दें, तो अगर आपने माइंड बनाया कि इस वीक मैंने डेमोक्रेसी पे लिखना है, तो इस पूरे 4 से 5 दिन आप डेमोक्रेसी पढ़ें और डेटा जमा करें, इरिस्पेक्टिव उसमें क्या डालने, कहाँ से आप कलेक्ट करें, बट ये सारी चीजें, रिसोर्सेज आप यूज करें तो डेटा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी मैं किस तरीके से ऐसे को अप्रोच करता हूँ और कितना डेटा मैं जमा करता हूँ। अच्छा जी, असल में मेरी थोड़ी सी आदत ये है कि जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिसमें मुझे एड ऑन करनी होती है चीजें, तो मैं क्या करता हूँ उसको वर्ड पे बना लेता हूँ, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे। अब जैसे एक्सट्रीमिज्म एंड इंटॉलरेंस का कोई भी ऐसे आएगा या पाक अफेयर में सवाल आता है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर एक कोटेशन रखी हुई है कि ये कोटेशन मैंने देनी है कायदे आजम की, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल हमारी बातें शुरू हो जाएंगी। अब ये मैंने डेटा अखबार से, डॉन से, ट्रिब्यून से या वर्ल्ड टाइम से लिखा, कुछ मैंने कॉपी किया, कुछ कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। अब यहाँ से इसको रेड कर दिया। ये मशल खान का जो केस हुआ था ना, ये बताता है कि इंटॉलरेंस कितनी है। इसको हम लिखेंगे पेपर में, ठीक है। जाहिर है जब भी कोई इस तरह का आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन भी आती है। अब उसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट जगहों से ले लूँ, आप गूगल करें, आप डॉन में निकालें, आपने कहीं से भी आपने पढ़ा, आपने उसकी डेफिनेशन निकाल ली, ठीक है। फिर आ गई उसकी टाइप्स, डोमेस्टिक, रेडिकलाइजेशन। अच्छा, ये डेटा अगर पेपर में ना भी डालूं तो तुम्हें समझ तो आए कि यार मैंने जो है ना एक्सट्रीमिज्म पे लिखना है, तो एक्सट्रीमिज्म की टाइप्स कितनी होती हैं, ये तो मुझे पता हो तभी तो मैं लिख पाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर इसी के अंदर आपने ईस्ट पाकिस्तान को डालना है, ईस्ट पाकिस्तान वाला भी इसी में आएगा। अच्छा जी, अब ये सारी एग्जाम्पल्स चल रही हैं। अब ये आ गई आपके पास हेडिंग, एन ओवरव्यू ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड इनटॉलरेंस इन पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जी अभी हम बताएंगे करंट स्टेटस क्या है, ठीक है।
इसी तरीके से हम आगे मजीद चलें तो अब हम आगे उस पॉइंट पे, जी फैक्टर्स विच प्रूव दैट कंट्री इज फेसिंग एक्सट्रीमिज्म एंड इंटॉलरेंस, हम इसके ऊपर बात करेंगे कहाँ कहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम और आगे चले, जो जो राइट से मतलब वो एग्जांपल्स हैं सारी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे इसके फैक्टर्स आ गए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अच्छी खासी तादाद में लिखा है ना, अच्छी खासी तादाद में ये मेरे पास मौजूद है। ओके, उसके बाद ये कुछ टेबल्स रखे हुए, अलिफ एलान की एक रिपोर्ट है, मैंने उसको यहाँ पे साइट किया हुआ है। ठीक है, ये कोटेशन आ गई अल्बर्ट आइंस्टाइन की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसमें चलते चले तो हमें नजर आएगा, अब यहाँ पे किताबों के रेफरेंस। ठीक है, द सोल स्पोक्समैन क्या कहता है, डॉक्टर एस अकबर जैदी इसके बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर मदीहा अफजल, आयशा जलाल इनके बारे में क्या कहती हैं, और सो ऑन। फिर इम्पैक्ट आ गए इसके, और फिर कैसे वायलेंस को कर्ब किया जाएगा, ये सब कुछ रिकमेंडेशन आ गए। तो बेटा इन शॉर्ट के मुझे अगर एक टॉपिक करना है तो पहले मैंने 5 दिन ये डेटा जमा किया है। बात समझ में आती कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? एक टॉपिक के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना होती है। तो जो स्टूडेंट कहते हैं ना सर इस चीज के ऊपर हमारे पास डेटा या नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो ये डेटा और नॉलेज कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका टॉपिक है आप उसको पूरा पूरा गूगल पे लिख दें। लेट सपोज मैं एक यहाँ पे टॉपिक जनरेट करता हूँ, राइजिंग इनटॉलरेंस इन पाकिस्तान। ठीक है बेटा, ये टॉपिक राइजिंग इंटॉलरेंस पाकिस्तान, आपने क्या करना, गूगल पे लिखा। अब जाहिर है जब आप इसको गूगल पे लिखेंगे तो कुछ बने बनाए एसेज भी आएंगे आपके पास, तो आपने क्या लिखना है जी, पीडीएफ एसेज। पीडीएफ एसेज में से मटेरियल कॉपी करेंगे, सेम टॉपिक लिखें उसके आगे लिख दें डॉन न्यूज, और 8-10 आर्टिकल जो है ना शुरू के उनको सिर्फ टैब पे खोल लें आप। ठीक है, उसके बाद सेम टॉपिक होगा उसकी इमेजेस में चले जाएं, वहां से भी कोटेशंस वगैरह मिलती है, फिर कोट्स लिख लें। ठीक है, इसी तरह से राइजिंग इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान का सोसाइटी ऑब्जर्व करें। सही, और जो मैंने आपको एक बुक बोली थी, कोई भी बुक जो आपने परचेस की उसमें से इस रेलिवेंट टॉपिक का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अब जब तुम एक टॉपिक जो लिखते हो ना, इस कम से कम बेटा 6 डेज दो। ठीक है, 6 डेज है, लेट सपोज आज है जी सैटरडे, आज सैटरडे को आपने सोचा कि जी मैंने इस टॉपिक को लिखना है राइजिंग इनटॉलरेंस इन पाकिस्तान। सही, तो आपने बोलना है कि जी ये मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट है, तो आपने इस पूरे 5 दिन ना, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप ये डेटा कलेक्ट करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, और जितना कुछ कर सकते होगे करोगे, और 6ठे दिन यानी सैटरडे को बैठ के सुबह सुबह आपने इस पूरे ऐसे को निपटा लेना। सही, अब फायदा ये होता है कि आपने अगर ये ऐसे लेट सपोज पेपर में नहीं आता लेकिन आपकी ग्रिप है इस पे, तो बेटा इसकी चीजें निकाल के आप डिफरेंट एसेज में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एजुकेशन रिलेटेड एसेज में आएगा, डेमोक्रेसी पे यही चीज लगेगी दोबारा आके, इसी तरह से हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ पे आ जाएगा, जस्टिस के ऊपर आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही चीजें लगती हैं, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी होता है। जो तुम किताब की कोटेशन निकालोगे, किताब से रेफरेंस वो कहीं और लगा दो। तो इस तरीके से आपकी जो बिगनर्स होते हैं उन्होंने करना है, जो अभी 24 के अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनका भी इतना कोई अभी लॉस नहीं हुआ। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आप करें चीजों को। ये एक बच्चे आके कहते हैं ना सर इस पे मेरे पास डेटा नहीं है, बेटा वो डेटा के लिए मेहनत लगती है, या तो तुम किसी के बने बनाए नोट्स लो, या बेहतर है कि खुद बना लो।
रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर नहीं है तो वर्ड पे, वरना व्हाट्सएप पे सेव कर लो। व्हाट्सएप के ऊपर आप जो है वो अपना एक ग्रुप बना लें अपने ही साथ कोई, और उसके ऊपर ना अपने ही डेटा शेयर करते रहें कि जी इसके आर्ग्यूमेंट ये होंगे, वो सारा कुछ व्हाट्सएप पे सेव कर लिया आपने, जब पढ़ने बैठे तो उसको एक नज़र देख लें। ठीक है, तो हमें जो है ना थोड़े से टॉपिक्स को करना पड़ता है लाजमी, एजुकेशन रिलेटेड आपने लाजमी शुरू करना है, गवर्नेंस, ठीक है, डेमोक्रेसी, इसी तरीके से जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमी, यूएन, वॉर, ये सब तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जेंडर, जब तुम्हारे पास इसका डेटा मौजूद होगा ना तो फिर तुम आगे जाओगे कोर्स बेस के ऊपर। सही है। तो जी मैंने जो अपने ऐसे का जो प्लान बताया आपको, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ 2025 का, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर बेटा मेरे टोटल 18 लेक्चर्स होते हैं। 8 तो हो गए किसके, 8 हो गए लेक्चर पढ़ाने वाले, कि हर कंपोनेंट को ब्रीफ किया, हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स बताई आपको, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 10 है ना वो ऐसे रिलेटेड हैं कि जी फुल लेंथ ऐसे को लिखा कैसे जाता है, और वो मैं बता दूंगा कौन से 10 टॉपिक है मैं करवाऊंगा आपको। फिर इसमें ये होता है कि मैं अपने 2 कंप्लीट ऐसे जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपके साथ लाइव क्लास में शेयर भी करता हूँ। तो क्लासेस के नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, 18 तो मिनिमम हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, तो ये रेगुलर बेसिस पे होती है। अभी इन इन दिस स्पेस हमने पाक अफेयर्स को शुरू किया था और ऐसे को हमने शुरू किया, ठीक है। सो ऑल इन ऑल पहले आपको इसका आइडिया मिलेगा कैसे आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे कर, जितना कुछ मेरे पास है वो तो ऑब्वियस है मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो ये एक सिलसिला बनेगा आपका, ठीक है। तो कमिंग बैक, जब एग्जामिनर आपका पेपर ओपन करेगा तो ही इज लिटरली कंसर्न के आप जो हैं टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं या नहीं, राइट। टॉपिक कॉम्प्रिहेंड अगर आपने कर लिया होगा तो वो आगे रीड करेगा, वरना रीड नहीं करेगा। हमारे माइंड की ट्यूनिंग कुछ इस तरह से हुई भी होती है बेटा, कि हम अगर एक चीज देखते हैं तो हम कोशिश कर देंगे उसी को हम कहीं ना कहीं फिक्स कर दें। जैसे जेंडर इक्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये पुराने किसी जमाने में ऐसे आया था पेपर में। अब अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे हमसे क्या बात करता है, कहते हैं जेंडर इक्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। आप में से मेजॉरिटी बच्चों का जेंडर होता है, जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट, आप पेपर में बैठे आपको वैसे डर लगा हुआ ऐसे का पेपर है, लेकिन जब पेपर सामने आया आप खुश हो गए, यार ये जेंडर इक्वालिटी पे पूछ लिया इसने। बस आपने क्या किया, जेंडर इक्वालिटी में जो आता था जितना आता था आप शुरू हो गए, लेकिन आपने इस पार्ट पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि दिस टॉपिक इज इन कनेक्शन विद दिस। आप शुरू हो गए कि जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है, होनी चाहिए, क्या फैक्टर है, इम्पैक्ट है, और आखिरी में कॉन्क्लूड करके आप बड़ा खुश हो रहे हैं कि जी मेरा ऐसे जो है वो हो गया। तो मुझे बताएं कि इस तरह से ऐसे पास होगा कभी आपका? कभी भी नहीं होगा। रीजन यही है कि बेटा उसने तो ये पूछा ही नहीं था, उसने तो कहा कि जेंडर को लिंक करो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। इसी तरीके से एक टॉपिक है, इज ओवर पॉपुलेशन इज टू बी प्राउड ऑफ, इज ओवर पॉपुलेशन इस तरह का टॉपिक था। हाँ, ह्यूमन कैपिटल टू बी प्राउड ऑफ। अच्छा, सीएसएस के अंदर ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि हम ना बिल्कुल देखते ना वहीं आके खुल जाते हैं कि यार ये तो हमारा आगे, जैसे एजुकेशन के कुछ आ जाए, पॉपुलेशन पे आ जाए,
या फिर पल्यूशन पे, वाटर क्राइसिस, तो ये हम कहते हैं हमारे पेट टॉपिक्स हैं, हम आराम से निकाल लेंगे। अब ये ऐसे आया पेपर में, ठीक है, ये आया है मेरे ख्याल से पुराने दौर का है। इज ओवर पॉपुलेशन आ ह्यूमन कैपिटल टू बी प्राउड ऑफ, बट अब मैंने यहाँ क्या टर्म देखी, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैंने ओवर पॉपुलेशन देखा तो मैंने क्या लिखा जी, फैक्टर्स पॉपुलेशन क्यों होती है, मैंने बताया उसके इम्पैक्ट, मैंने बताया जी गवर्नमेंट की क्या सजेशंस हैं इसके बारे में, और मैंने इसको कॉन्क्लूड कर दिया। बट इस सवाल का जवाब एग्जामिनर को मिला नहीं अभी तक, क्या ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल है जिसके लिए हमें फख्र होना चाहिए? तो अब जब तक मेरे ऐसे में इस बात का जवाब नहीं मिलता उसको, वो मुझे 40 नहीं देगा। हमारी गलती ये होती है कि हमने ये वाला पार्ट पढ़ा होता है। और एक लास्ट चीज बताता हूँ आपको कि लोगों की क्या मिस्टेक्स हैं। ये कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि जब कॉलन डला हुआ होता है तो वो समझते हैं कि जी मुझे इसके ऊपर भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है और इस पे भी बात करनी है। हालांकि जब ऐसा टॉपिक आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि एग्जामिनर इज ऑलरेडी सेइंग दिस कि भाई ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है, दैट्स इट। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वी स्टार्ट विद दिस ग्लोबल वार्मिंग, हम समझते हैं कि जी 90% इसको देना है, 10% इसको देना है, बट इन रियलिटी 10% इसको लिखना है और 90% इसको लिखना होता है। जैसे इस ऐसे में आप शुरू करेंगे तो आप बताएंगे कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ मिथ बट अ रियलिटी। तो कॉलन से पहले वाला सिर्फ टॉपिक होता है, मेन बातें ये हैं इसके ऊपर करना होता है बेटा आपने। क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से प्लाइट ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ठीक है, सजेस्ट रेमिडियल मेजर्स। अब इस तरह का टॉपिक आ गया है, फ्लाइट का मतलब होता है हालत, ठीक है, गवर्नेंस की हालत पाकिस्तान में, और आगे कहता है सजेस्ट रेमेडियल मैयर। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे अच्छा गवर्नेंस, अब वो गवर्नेंस पे शुरू हो गया पूरा ऐसे लेके, करते गए करते गए करते गए, और आखिरी में जी रिकमेंडेशंस दे दी और उसके बाद आ गई कॉन्क्लूजन। हालांकि ये रिकमेंडेशंस आनी थी पहले, बिकॉज ये ऐसे डिमांड क्या कर रहा था ओनली कि बेटा ठीक है आपकी गवर्नेंस के इशू है ना, ये आपने एक पैराग्राफ में बताना है, बाकी पूरा ऐसे आपका मेयर्स के ऊपर चलेगा कि आप जो ये इसके मेजर्स लेते हो वो कैसे लेते हो, क्या करना है उसके अंदर। सही है, फिर सो ऑन सो फोर्थ के कैसे आउटलाइन बनती है, टाइम कैसे मैनेज करना, तो सारी चीज हम सीखेंगे इसमें। ऐसे आप कहीं से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना कि स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता ऐसे में। मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमारे जो टीचर हैं जो ऐसे पढ़ाते हैं वो कहते हैं जी करंट वाले टॉपिक करें। भाई क्यों करें करंट वाले टॉपिक? कोई कहता है कि जी उसकी आउटलाइन के हिसाब से लिखा आपने पैटर्न, तो नहीं बेटा गलत है। क्यों गलत है? आपने जो हुक स्टेटमेंट, अरे भाई ये हुक स्टेटमेंट क्या होती है? आपने फनल अप्रोच लिखनी है, रिवर्स फनल अप्रोच लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐसी चीजों के ऊपर अपने ध्यान देना ही नहीं है। आप सीएसपी एकेडमी में जाओ, आप नोवा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए वो किसी भी तरीके से, ठीक है। चलो आज के लिए बस इसको हम इतना रखेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।